अब आप पहले मुझे सुनिए। आप भी जानते हैं कि बहुत महीनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं, उसकी वजहें बहुत सी हैं। एक तो ये बीमारी जो इतनी ज़बरदस्त फैली हुई थी, इतनी देर के बाद हम लोग बैठ सके और फिर से एक दफ़ा इकट्ठे बैठ के हर चीज़ पे हमने गौर किया। सबसे बड़ी बड़ी बात तो ये है कि वी आर कम्प्लीटली डिटर्मिंड कि जो हमने डिक्लेरेशन किया था 4 अगस्त 2019 में, उसमें कोई रद्द बदल नहीं है, वी स्टैंड बाय दैट। दूसरा जो बहुत अहम मसला है इस वक्त, वो इस बीमारी का है, जिस बीमारी ने यहाँ पे हर शोबे को तबाही के दहने पे पहुँचाया है। कोई भी सेक्टर आप ले लीजिए, कोई सेक्टर नहीं है जो इस वक्त बर्बादी में शामिल नहीं है। वो टूरिस्ट इंडस्ट्री हो, वो छोटा सा छोटा शॉपकीपर हो, वो छोटा सा छोटा रेडी चलाने वाला हो, ट्रांसपोर्ट हो, कोई भी जो है एक बर्बादी के आलम में। उसके ऊपर जो फिर अल्लाह की तरफ से बहुत ज़बरदस्त बारिशें पड़ी और ज़ालाबारी हुई, किसान को नुकसान हुआ। किसान बिल्कुल जो आबाद था, आज बात सुन लो ना, बात काफ़ी सुन लो। वो किसान जो है गिर गया हुआ है। गवर्नमेंट ने किसानों की तरफ 1,000 रुपया दिया है, उससे क्या होगा? इनको एक जामा पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें वो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री से हो, वो हमारे दूसरे तबकों से ताल्लुक रखते हो, हैंडीक्राफ्ट जो भी है, उनकी तरफ इनको आज ज़बरदस्त सोचना चाहिए कि कहीं वही हाल ना हो जाए जैसे उस मास्टर के बच्चे ने, क्योंकि वालिद के पास फीस का पैसा नहीं था, उसने अपनी जान गंवाई। नूराबाद कुलगांव, इन्हें इस तरफ ज़बरदस्त तवज्जो देनी चाहिए। और हम समझते हैं इसमें अगर कई चीज़ें इनको बंद भी करनी पड़े, पहले इंसान को बचाना ज़रूरी है। दूसरी बात ये भी है कि कोविड के लिए जो वैक्सीन है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बहुत इलाके हैं जहाँ हमारी डिस्पेंसरीज हैं, वहाँ डिस्पेंसरी नाम से तो है मगर कोई स्टाफ नहीं है। आज भी मुझे जब मौका मिला, इस अस्पताल जो यहाँ इन्होंने DRDO ने खोला है, मैंने वहाँ भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कहा, और वहाँ हेल्थ सेक्रेटरी भी थे, चीफ सेक्रेटरी भी थे, मेहरबानी करके इन दूर दराज इलाकों की तरफ भी तवज्जा दें कि वहाँ पे डॉक्टर है, नर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनके पास दवाइयाँ हैं या नहीं हैं। अगर उनको हम भूल जाएंगे तो वही हाल होगा जो हो रहा है हर जगह। इसकी तरफ तवज्जा देना बहुत ज़रूरी है। अब आपने अगर कुछ पूछना है तो पूछ। स्पोक्सपर्सन, हाँ, और हमारे स्पोक्सपर्सन जो हैं वो तारिगामी साहब होंगे, और इन्हीं की तरफ से अब हमारे प्रेस नोट वगैरह आए। देखिए, ये तो पहले हम लोगों को मिलने की ज़रूरत थी, बहुत वक्त हो गया था। रूमर तो यहाँ हर वक्त चलते हैं, हमें कुछ पता नहीं है, सिर्फ रूमर जैसे आप सुनते हैं हम भी सुनते हैं, मगर हमें इसके ज़्यादा कुछ पता नहीं है। जो वो करना हुआ करेंगे, हम तो अल्लाह के रस्सी को थामे हुए हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वो हमारे फ्यूचर को ठीक रखेगा। किशन का सवाल है, हम लोग कोर्ट में हैं, सुप्रीम कोर्ट में, और हमने उनसे कहा है आप वो सुप्रीम कोर्ट का पढ़ लीजिए, उसका जवाब आ जाए हमें। डिलिमिटेशन के जो चेयरमैन हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, उनसे जवाब आए तो उसके बारे में फिर हम फैसला करेंगे। सही है जज साहब? हाँ। देखिए, पहले आपको मैं बताऊं, खुद आप जानते हैं कि आज सूरत क्या है इस बीमारी की। लोगों से
एहतियात से मिलना पड़ता है, क्योंकि बीमारी ऐसी है कि अल्लाह नजात दे, मुझे खुद हुई है और मैं जानता हूँ मेरे पे कितना इसका अभी भी असर, मैं वो असर है जिसको अभी भी वो गया नहीं है। और कितने ही लाखों इस दुनिया फानी से चले गए इस बीमारी से, और हम इस बीमारी को ऐड नहीं कर चाहते हैं, बल्कि हम आज हमने पूरा मिलके उन सब को जो इस बीमारी से गुजर गए हैं उन्हें हमने जो है मगफिरत के लिए दुआ मांगी। और एक बात जो मैं भूल गया आपसे कहना, यहाँ पे पुलिस का बड़ा ज़बरदस्त दबाव और है, पकड़ धक्कड़ और लोगों को पकड़ धक्कड़ ये वो कर रहे हैं, बच्चों को पकड़ के ले जा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। मेरे ही रास्ते पे आप देखें, वहाँ पे नीचे कंडा है नर्सिंग होम के पास, वह खोल देते हैं बंद कर देते हैं। जब उनसे पूछते हैं कि क्यों बंद किया है, दुनिया की गाड़ी चलती थी, आज इसे बंद क्यों कर रहे हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये तो गलत है। अगर ये डेमोक्रेटिक राइट है इंसान का चलने का सड़क पे, तो उसको बंद क्यों कर रहे हैं, उन गाड़ियों को लाइन में क्यों खड़ा कर रहे हैं? मैंने ये देखा नहीं है। और इसलिए मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ज़रूर अपील करूंगा आपकी मेहरबानी से, इस तरह भी तवज्जो दें कि ये जो ये पकड़ धक्कड़ है इसको बंद करें। यहाँ फिर लोग इतने खिलाफ हो जाएंगे कि इनको फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई ऐसा फैसला लिया गया बाइफर्केशन या स्टेट को डिवाइड करने के हवाले से जो पहले ही हो चुका है, आपने तब भी इस्तीफा नहीं दिया था, क्यों देता हूँ इस्तीफा? आपने मुझे वोट दिया है कि मैं इस्तीफा दूं? कमाल है। सवाल ये है कि क्या इस बार अगर कोई ऐसा फैसला लिया गया, चाहे गुस्से से चाहे लोगों के जज्बात को रिप्रेजेंट करने के हवाले से, क्या उस पार्लियामेंट को आप अलविदा कहेंगे? क्या करेंगे? अलविदा कहेंगे पार्लियामेंट? मैं नहीं कहूंगा अलविदा। आग में रहकर हमने लड़ना है। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, आप उसको पैदा भी नहीं हुए होंगे। मेरे वालिद को जब सऊदी अरेबिया में थे और उनको ये पता लग गया था कि दिल्ली जब वो वापस आएंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा, तो उस वक्त के जो बादशाह जो थे शाह फैसल, उन्हें शेख साहब को ऑफ़र किया कि आप यहाँ रहिए, हम आपको सिटीजनशिप देंगे। उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं आग में रहकर, उस आग में रहकर मैं उस आग को बुझाना चाहता हूँ। हम भी पार्लियामेंट में रहकर अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं, तो आप या पार्लियामेंट के मेंबर हैं। इशारा दे रहे हैं कोई बड़ी अपोजिशन बनाने के हवाले से पूरे मुल्क में? मुल्क में तो पहले ही अपोजिशन बड़ी है, हर एक पार्टी बड़ी है, आप देखते हैं सब इकट्ठे हैं, कई मसलों पर इकट्ठे हैं और इंशाल्लाह आगे भी इकट्ठे रहेंगे। कोई ऐसी बात तो है नहीं कि नहीं इकट्ठे रहेंगे। मैं सिर्फ इस बारे में एक चीज़ कहना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम सब भी यहाँ से इस बदनसीब सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जो भी मुसीबत आज तक आन पड़ी है हम पर, एक साथ मिलकर हमारे आवाम ने उसको झेला है, सामना किया है। ये जहाँ तक सवाल है पार्लियामेंट में जाने का ना जाने का, मेरे ख्याल में ये बहुत बहस सब कहीं पर रुकनी चाहिए। जहाँ तक हमारे पीएचडी का ताल्लुक है, वी विल यूज़ एवरी अपॉर्चुनिटी, कमज़ोर से कमज़ोर तरीन अपॉर्चुनिटी भी हमें मिले हम उसको खोना नहीं चाहेंगे, मज़ाहमत कर लेंगे अपने आवाम की खातिर। और एक बात मैं अश्योर करना चाहता हूँ पीएचडी के रहनुमाओं की तरफ से, नेवर एवर मिसअंडरस्टैंड अस, and we must convey it to the people of every region, whether it is Jammu, Kashmir, even Ladakh, that we shall be on the side of our people who are suffering, who are settled, there is no hope, but certainly we will be on their side. Koi darwaza humne band nahi kiya hai, ye baat yaad rakhiyega, jab wo hame bulayenge
इंशाल्लाह देखा जाएगा, हम लोग देखेंगे उस वक्त। वी विल सी टू दिस थिंग, बट वी हैव नॉट क्लोज एनी ऑप्शंस। यस, वी नॉट क्लोज एनी डोर्स। यस, वेरी गुड। व्हाट वी वांट इज बेटरमेंट ऑफ आवर पीपल, as he told you. Now the lion is over. Please, thank you very much. Thank you. Wish you the best. Wish you the best. Wish you the best. Wish you the best.